इसमें यह था कि हम बताएं पीडीसी के साथ कंसल्ट करके कि पीडीसी डिसॉल्व होगा, क्योंकि बात यह भी हो रही थी कि प्रोविजनल, क्या टूरिज्म एक प्रोविजनल सब्जेक्ट है तो क्या पीडीसी डिसॉल्व होना चाहिए। उसमें यह भी बात हो रही थी कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली और नेशनली कैसे ब्रांड करें, उसकी कैसी मार्केटिंग करें। उसमें और भी जमे चीजें बनानी थी, टूरिज्म की पॉलिसी बनानी थी, एक्शन प्लान बनाने थे, स्टैंडर्ड्स बनाने थे, और एक वे फॉरवर्ड के पाकिस्तान एक कंप्लीट पिक्चर, सिर्फ प्रोविंसेस नहीं जैसे पहले होता था, बाहर के टूर्स होते थे टूरिज्म के समिट्स में, और कभी जीबी जा रहा होता था, कभी सिंध, कभी पंजाब, कभी केपीके, पाकिस्तान कभी नहीं गया। तो इसका मकसद ये था। मैं आप लोगों को बड़े फख्र से ये भी कहता हूं कि एनटीसीबी ने ये सारे मुकम्मल, ये चीजें मुकम्मल कर दी हैं। हमने एक 10 साल का 2020 से 2030 से एक पॉलिसी बना दी है, और उस पॉलिसी के साथ हमने एक 5 साल का एक्शन प्लान भी बना दिया। हमने उसके साथ साथ एक ब्रांड पाकिस्तान बना दिया, जैसे कि आप इंडिया में देखते हैं क्रेडिबल इंडिया, मलेशिया में देखते हैं ट्रूली एशिया मलेशिया, अमेजिंग थाईलैंड देखते हैं, विजिट दुबई देखते हैं। पाकिस्तान ने भी अपना ब्रांड मुकम्मल तौर पे बना लिया, और हम इसको 18 अप्रैल को लॉन्च भी करने वाले थे, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया, हम एक बहुत बड़ा लॉन्च करना चाह रहे थे इसका इंटरनेशनली और नेशनली, तो हमने रोक दिया। और हमने अभी सोचा कि इंशाल्लाह इस साल की आखिर में हम इसको लॉन्च करेंगे, और नेशनली भी और इंटरनेशनली भी के लोग पाकिस्तान की खूबसूरती देखें, और पाकिस्तान दुनिया भर में भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक यूनाइटेड पाकिस्तान नजर आए इस ब्रांड के नीचे। हमने इसके साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन भी कर ली, नेशनल मिनिमल स्टैंडर्ड्स मोटेल्स और होटल्स के, ये भी आप देखेंगे, पॉलिसी भी, 5-year एक्शन प्लान भी, और ब्रांड पाकिस्तान आप जब हम लॉन्च करने जाएंगे, ये सारी चीजें हम उस वक्त एक साथ लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो ई पोर्टल है, जो एक नेशनल ई पोर्टल जो होगा, जिस पे दुनिया भर से आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहां अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं, वहां आपको ट्रैफिक कंट्रोल बताएगा, मौसम बताएगा, पॉपुलेशन बताएगा, रेटिंग्स देगा कि कौन से होटल्स अच्छे हैं, कौन से गेस्ट हाउसेस अच्छे हैं, कौन से इकोनॉमिकली बेहतर हैं, कौन से महंगे हैं, सारी आपकी बुकिंग की इंफॉर्मेशन हर चीज पे आपको एक नेशनल पोर्टल नजर आएगा, जो पूरी दुनिया से आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, और जब ये पैंडेमिक, जब कोरोना कम होगा, ये सारी चीजें हम आपको लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक एंडाउमेंट फंड बनाया, जिसके अंदर हमने एक अरब रुपए गवर्नमेंट हमने दिए मार्केटिंग के और ब्रांडिंग के, टूरिज्म के, कि स्टैंडर्ड्स हों और दुनिया भर को ये स्टैंडर्ड्स नजर आए, जैसे बाकी मुल्क ने किया है। हम देख रहे हैं कि टूरिज्म पीएम साहब की कितनी बड़ी विजन है और हम कितने पीछे थे इसमें, तो ये सारी चीजें हम इसको आगे लेके आए हैं। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टूरिज्म फोरम भी 2021 में पाकिस्तान में होस्ट होगा। D8 2022 जो पिछले साल मलेशिया ने होस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे 8 मुसलमान मुल्कों ने अग्री किया है कि वो आके पाकिस्तान में 2022 पाकिस्तान पहली दफा होस्ट करेगा ये टूरिज्म का। तो 8 टर्की हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, ये सारे मुल्क के वजीर पाकिस्तान आएंगे, टूरिज्म के वजीर पाकिस्तान आएंगे, और 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होगी, समिट होगी, और एक्सप्लोर किया जाएगा कि पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर कर सके, स्पेशली हमारे मुस्लिम मुल्कों के साथ। इसके साथ साथ आपको पता है कि पीएम साहब ने आते साथ ही एनओसीज भी जो फॉरनर्स को चाहिए होते थे वो भी खत्म कर दिए। ई वीजा के आपकी आपको फैसिलिटेशन दी, जो दुनिया भर में लोग उसको तारीफ कर रहे हैं उसकी। उसके साथ साथ ट्रैवल एडवाइजरीज यूके की भी, अमेरिका की भी कुछ बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें एक वे फॉरवर्ड था कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। अब इस पूरी चीज की एक रुकावट आ रही थी कि हमने क्या करना है, वही जो एक के टूरिज्म, नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड PDDC, ये क्या कंपेटिटर बनना है प्राइवेट मार्केट के साथ, ये उनके साथ कंपीट करेगा, ऑपरेट करेगा, या ये फैसिलिटेट करेगा, पॉलिसी देगा, उनकी मदद करेगा और उनकी स्ट्रेटेजिकली उनके साथ चलेगा।
अगर आप जब भी गवर्नमेंट का कोई भी अदारा कंपेरेटिव बनता है वो हमेशा नुकसान में जाता है। आप अगर मिलाएं हमारी जो लॉसेस पिछले 5 साल से हमारे पास जो आई हैं, तो 70 करोड़ तो सिर्फ फ्लैशमैन की 5 साल में हमारी लॉसेस थी, 35 करोड़ तो सिर्फ हमारे जो मोटेल्स थे, जो लोग शोर कर रहे हैं कि इतने जबरदस्त मोटेल्स थे, जो भी वहां जाता था हमें पहले मैसेज देता था और वो भी गालियों के देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कितने जबरदस्त चल रहे हैं और हमारे इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं, क्यों ये इतने रन डाउन हैं, खराब हुए हैं, तबाह हुए हैं, डिलैपिडेट हुए हैं अंदर से, तो ये क्या वजूहत है? तो हमें लॉस हर साल इस पे जा रहा था, हर साल हुकूमत को उसके अंदर पैसे डालने थे, पर हमने फैसला ये किया। और ये कोई कोविड में, ये भी एक गलत फहमी लोगों में है कि ये कोई कोरोना की वजह से हमने लोगों को ले ऑफ किया हुआ है, ये हरगिज ऐसे नहीं है। हमने 2019 में ही हमने कैबिनेट का डिसीजन है कि इसका मैकेनिज्म बनाना है कि आगे पीडीडीसी को कैसे चलाना है और यूनियंस के साथ हम इंगेज करें, नेगोशिएट करें ले ऑफ के लिए, और आगे जाते हुए जो हमारी जो मोटेल्स हैं उनको सूबों को दें, उनके साथ एक टेम्पलेट दें कि वो 30 साल या 33 ईयर्स की लीज पे प्राइवेट सेक्टर को लीज करें, और ऐसी टेम्पलेट दें कि इंटरनेशनल ऑपरेटर्स और हमारे जो अच्छे नेशनल इंटरनल जो ऑपरेटर्स हैं वो आके पीडीडीसी को चलाएं। जब आप ये 3 साल 5 साल के ठेके देते हैं तो एक इन्वेस्टर बाथरूम भी ठीक करने के पैसे नहीं लगाता, उसको कोई फायदा ही नहीं होता कि वो अपने अपने मोटर्स को ठीक करें। जब आप देंगे लंबी लीज पे, एक अच्छा क्रेडिबल टेंडर बनाएंगे जिसमें हमने एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया हुआ है कि वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाए कि 30 साल की लीज कैसे हमने देनी चाहिए, और हम शुरुआत कर रहे हैं जीबी और एजीके से, तो आप देखेंगे कि ये 46 कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे आपको 2 साल के अंदर अंदर 46 3 और 4 स्टार होटल्स आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और मैं अगर आपको मिसाल दूं, जो आप हमें ये कुछ 360 जो पीडीडीसी के वर्कर्स हैं जिनको हमने टर्मिनेट किए, पीसी भोरबन में 40 या 50 कनाल पे पीसी भोरबन बना हुआ है, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो लोग वहां काम करते हैं कुछ 500 हैं, या हम 360 सारे पीडीडीसी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये एक रुकावट है लाखों लोगों की नौकरियों के लिए, या 400 लोगों की नौकरियों के पीछे हम लाखों लोगों को नौकरी ना दें। हमारा जो नारान का जो पीडीडीसी का मोटेल है वो कुछ 130 कनाल पे बना हुआ है, उसकी जो जमीन है वहां तो हजारों एम्प्लॉई सिर्फ एक मोटेल में, एक गेस्ट हाउस में होने चाहिए। अगर आप पीसी भोरबन का मॉडल लें जहां 500 लोग हैं 40-50 कनाल पे, तो यहां अगर आप 2 भी बना दें या 1 भी गेस्ट हाउस बना दें, पूरा एक रिजॉर्ट बना दें, तो 1000 लोगों से आपकी एक होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट। कालान का आपका ले लें 40 कनाल का है, स्कर्दू का ले लें, सतपुरा का ले लें, गोपेस का ले लें जो कुछ 20 कनाल का है, और उस पर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम सोच नहीं सकते। पसमंदा इलाकों में आप एम्प्लॉयमेंट ले आएंगे, 100-200 तो सिर्फ उस गेस्ट हाउस का होगा, लेकिन उसके आसपास जो उस गेस्ट हाउस को फीड करते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। तो ये मकसद था कि हम पीडीडीसी को रिफॉर्म करें। पीडीडीसी बंद नहीं हुआ, पीडीडीसी एक बहुत फायदेमंद इदारा बनने जा रहा है। इसका हमने एक पूरा डायग्राम भी, अर्नेस्ट यंग एक टॉप वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरी मदद की इसको रीस्ट्रक्चर करते हुए, इसको हम 70 लोगों को हम जॉब्स देंगे, यंग लड़के लड़कियां जो मार्केटिंग ब्रांडिंग सोशल मीडिया एक्टिव मीडिया में दुनिया भर में जिनने टूरिज्म की हुई हो उनको हम लेके आ रहे हैं, हायर कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, हायरिंग प्रोसीजर के थ्रू, और ये फिर पाकिस्तान का पूरा ब्रांडिंग मार्केटिंग फैसिलिटेशन लेके आएंगे सारे सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऊपर बैठेगा और पीडीडीसी उसका एक एग्जीक्यूशन आर्म होगा। मैं आपको फिर से एक मिसाल देना चाहता हूं कि लोग बातचीत करते हैं कि जी बंद हो गए, कितने लोगों ने नौकरियों की गई हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, वो है दामनको की, यहां इस्लामाबाद में। दामनको को जब पीडीडीसी ने प्राइवेट दिया था चलाने के लिए, कई साल चला था, अच्छा था बुरा था वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन चलता गया।
पीडीसी ने सोचा कि हम खुद ही दामने को क्यों ना चलाएं। 3 या 4 साल मुश्किल से चला, अब 6 साल से बंद है। दामने को जिस पोजीशन में है उसके ऊपर ही आप चले जाए मुनाल पे, वहां मुनाल अरबों रुपए बना रहा है और दामने को बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और बेहतर प्लेटो, बेहतर व्यू, हर चीज, क्यों? वो अरबों रुपए बना रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने हमेशा, जिसने पीडीडीसी चलाया है पहले, हमेशा सिर्फ पॉलिटिकली और अपने मोटर्स पे चलाया। 907 लोगों ने, नवाज शरीफ साहब ने निकाला था जब वो हुकूमत में थे, उनने एमडी लगाया था अपना और उनने 907 पीपीपी के पॉलिटिकल लोगों को पीडीडीसी से निकाला था। और ये नहीं क्योंकि उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से कोई उलझन है, वो कह रहे थे अगर 907 पॉलिटिकल लोग लगने हैं तो मैं अपने ही लगा लूं, तो फिर उनने भी लगाना शुरू कर दिया। मैं इस पे ये भी क्लियर करता हूं कि देखें, हमने जब ये स्ट्रेटजी बनाई पीडीडीसी की, इस पे एक 2019 पे एक कैबिनेट डिसीजन है, ये कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं था, ये तब से चला आ रहा है। हमने एक महीना एक पीडीडीसी का बहुत हमने मजबूत प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर में जाहिर बात है बैठते हैं अंदर, हमने ऐसे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड पे हमने बाहर से भी लोग बिठाए हुए हैं जो दूसरे बोर्ड्स पे बैठते हैं, जिनने 9-10 मुल्कों के टूरिज्म उठाई है, बनाई है। हमने उनको पहली दफा उनको हमने एंगेज किया हुआ है इसके अंदर। हमने डिसाइड किया कि इस पे हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। एक महीना बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दी कि यूनियंस के साथ नेगोशिएट करें। हमने उनके यूनियंस के साथ बैठे, नेगोशिएट करने की कोशिश की, अफसोस कोई नतीजा नहीं बना। कई लोगों को जो हमने उनको गोल्डन हैंडशेक का पैकेज हमने उनको दिया हुआ था, एक बहुत तगड़ा गोल्डन हैंडशेक का पैकेज हमने पीडीडीसी के एम्प्लॉयज को दिया था, जो अफसोस से उन्हें नहीं लिया। जिनको जो लेना भी चाहते थे उनको कई स्पॉयलर्स थे बीच में, यूनियन वाले थे जो उन्हें अपने मफाद थी, उनको डिस्करेज करके नहीं लेने दिया। मैं उनसे आज भी मीडिया पे भी गुजारिश करता हूं कि इतना मजबूत, इतना जबरदस्त गोल्डन हैंडशेक पैकेज बहुत कम पाकिस्तान में हमने दिया। हमने 3 रनिंग बेसिक पे अपनी कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब अगर आपने 30 साल की सर्विस की हुई हो आपको 90 सैलरीज मिलती है इसमें से। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। 6 महीने की हाउस अलाउंस हमने दी है, अरेज सारे हमने दे रहे हैं अब लीगल प्रोसीजर के बाद, प्रोविडेंट फंड बनाया है, अर्नड लीव 1 साल की हमने बनाई हुई है। तो एक बहुत तगड़ा पैकेज है। तो मैं फिर से अपने पीडीडीसी वर्कर्स को कहता हूं कि मुझे कोई मुझे कुछ नहीं हासिल होता कि आप लोगों को, अगर मैंने पीडीडीसी टर्मिनेट किया हुआ, मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे जाती तौर पर इससे कुछ मिलता है। मैंने इसलिए किया क्योंकि पीडीडीसी अगर लाखों नौकरियां उसको बनानी है तो उसको ये मुश्किल फैसले करने होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि पीडीडीसी को आप अभी देखें, हम एजेके और जीबी के मोटेल्स को टेंडरिंग के प्रोसेस में जाने वाले हैं, जो ही कंसल्टेंट्स की रिकमेंडेशन वापस आए हम इसको टेंडर करेंगे, जो ही कोरोना भी थोड़ा सा कम हो जाए और आप उसके फायदा, आप उसको 1 साल के अंदर इसका फायदा देखेंगे कि कैसे कैसे लोग ने ये जगह ली है। खूबसूरत, सबसे खूबसूरत इलाकों में बहुत बेहतरीन किस्म के गेस्ट हाउसेज आपको नजर आएंगे इसमें। तो मुझे इसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी। ये इसलिए डिसीजन लिया गया कि हम पीडीडीसी को बेहतर कर सकें, पीडीडीसी को ऐसा इदारा बनाएं जो आप लोगों को, जिस पे फख्र हो। और मैं आपसे गारंटी करता हूं कि आप पीडीडीसी को मुनाफे में जब भी देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में हम इसको लेके आएंगे बहुत जल्द, और इसका आउटकम भी आप देखेंगे। आपने पहले से भी आउटकम देख लिया है पीएम साहब की मेहरबानी से कि कितना अच्छा इंटरनेशनल टूरिज्म प्रेस हमें दुनिया भर में मिला है, जो पहले हमें कभी नहीं मिला हुआ था। कई कई ऐसी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। फ्लैशमैन पे पहली दफा डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आर्म सर्विस, आर्म फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ मिलकर हम बैठ के उस पर डिसीजंस ले रहे हैं कि फ्लैशमैन को भी एक इंशाल्लाह एक बेहतरीन होटल बनेगा, उसके पीछे एक वाला प्लॉट है उसमें एक बेहतरीन किस्म का शॉपिंग मॉल बनेगा, जो पूरा इलाका उठ जाएगा उसके साथ। इतनी देर से बंद नुकसान में छोटे छोटे टेंडर 1-2 लाख भी हम मार्की वालों को दे रहे हैं, पूरी जगह तबाह हुई है। उसके ऑपोजिट या पीसी देखते हैं पिंडी में, वो पैसे बना रहा है जबरदस्त, उसके हालात हैं और हम अपने देख रहे हैं कि क्या है, नुकसान पे नुकसान पे नुकसान। तो प्लीज ये गलत फहमी में ना रहे कि पीडीडीसी बंद हो गया है।
और ये कोई टूरिज्म को कोई सेटबैक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन हमने लिया है और इसका फायदा आप एक साल के अंदर अंदर आपको नजर आएगा इसमें, और स्पेशली नेशनल टूरिज्म बोर्ड के साथ। मैं और आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई चीज हो, तो प्लीज मुझसे जल्दी से पूछ लें। नहीं देखें, ये आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप ये पीडीडीसी के मोटर्स प्राइवेटाइज उसको कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं तो, और 30 साल की लीज पे देना चाह रहे हैं, अगर आप मुझसे ये 30 साल की लीज पे रन करना चाह रहे थे, उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और चलाएंगे, मैं कोई नहीं होता आपको कहने वाला कि प्लीज ये 100 बंदों को अपने साथ रखें। आप कहेंगे कि ये मार्केट में कंपेटेबल ही नहीं है, ये मेरा होटल चला ही नहीं सकते और आपने मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी 100 लोगों की डाल दी एक गेस्ट हाउस की, तो ऐसे हो नहीं सकता, इसमें कोई अच्छा बंदा आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए 360 लोगों के पीछे मैं लाखों नौकरियां नहीं जाया, कि क्या ये हक है, ये इंसाफ है कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के टूरिज्म में भी उठ रहे हैं और उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने एक इदारा दबाया हुआ है और हमारी एक जिद है कि नहीं नहीं जी, इन 360 लोगों के पीछे हम लाखों नौकरियां नहीं आने देंगे। तो जो कंपेटिटिव होता है मार्केट में, जो लीज पे लेगा पीडीडीसी की प्रॉपर्टीज को, जो सूबे उनको टेंडर करेंगे, वही अपने मैकेनिज्म्स बनाएगा को कैसे चलाने के लिए। गवर्नमेंट का हक नहीं बनता कि हम उनको उनके ऊपर डाल दें कि जी इन 100 बंदों को रखना ही रखना है, वो कहेंगे कि ये नहीं है इतने अच्छे कि हम उनको रख सकें। देखें, पीडीडीसी ने कोई काम नहीं किया पिछले 5-10 सालों में, ये याद रखें। तो जब एक इदारे ने कोई काम नहीं किया हुआ, उसके अंदर भी जो लोग होते हैं, कोई ज्यादा कोई काम नहीं किया हुआ, सर्विस दी हुई है कितनी अच्छी कितनी बुरी, ये फाइनेंशियल दिखाते हैं, ये लीडरशिप और फाइनेंशियल दिखाते हैं कि इन्हें कितनी अच्छी और कितनी बुरी चीज है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई रुकावट है। इनमें से जो इतने काबिल हैं उनको बिल्कुल मौका मिलेगा कि जो लोग मोटेल कमर्शियल जो लीज ले रहे हैं उसके, वो जाके अपनी रेज्यूमे दें, उनके पास अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है और अगर वो जो जिसने लिया हो वो समझता है कि वो अच्छा है, तो वो क्यों नहीं उसको रखेगा, उसके पास 20-30 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा अगर वो अच्छा है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं रखना चाह रहा, तो ये फिर एक उंगली उठाता है कि हमने क्या किया इस पब्लिक सेक्टर इस डिपार्टमेंट के साथ। जो आपका फ्यूचर प्लान है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 30 साल मॉडल भी आप कह रहे हैं कि उनको लीज से देनी, ये भी अच्छी पेश रफ्त है, क्योंकि जो होता है सरमायादार जिसे इन्वेस्ट करना होता है उसका एहतमाद बढ़ता है। कोई एक्शन प्लान आप बताएंगे क्योंकि कितने दिनों में या कितने हफ्ते में आप इससे जो अपने एक्शन प्लान बनाया होगा। देखिये, जो 10 साल की पॉलिसी है वो पीएम साहब लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, जब ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च होगा उसके साथ 5 साल का एक्शन प्लान भी। ये जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है अभी हम उनको सूबों को दे रहे हैं और सूबों उनको टेंडर करेंगे, हम नहीं करेंगे, पंजाब अपना करेगा, केपीके अपना करेगा, हम जीबी और एजीके के कर रहे हैं। इस पे हमने एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर ली है जो लीज की टेम्पलेट हमें बना के देगा, वो इंशाल्लाह 1 महीने में हो जाएगी। जो ही वो हो जाए फिर हम इन्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि अभी एक पैंडेमिक है, लोग फंसे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट शायद इतनी ना कर सके, तो हम देखेंगे कि जो ही कोरोना इंशाल्लाह अल्लाह करे कम हो अगस्त के महीने में, तो अगर हम देखें कि रिजल्ट्स कोरोना के अच्छे आ रहे हैं तब तक, तो हम फिर अगस्त में इसका टेंडर लॉन्च कर देंगे, इसकी टेंडरिंग प्रोसेस होगी, सितंबर तक हो जाएगा इंशाल्लाह खत्म, और आप देखेंगे कि इसमें 1 साल के अंदर अंदर आप सिर्फ एजेके और जीबी की आप प्रॉपर्टीज आप खुद देख के, मैं आपसे वादा करता हूँ, खुद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप लोग बताएंगे कि पहले कैसे थे और बाद में कैसे।
मामले खुसूसी ब्राय ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फिकार बुखारी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियाहत के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जा रही है, पाकिस्तान के सियाहती मकामात को उजागर किया जाएगा दुनिया भर में। और मजीद उन्होंने बात की और कहा कि पाकिस्तान D8 ममालिक की सियाहती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। जुल्फिकार बुखारी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सहाफियों से किए गए सवालात के जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियाहत के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जा रही है। देखिए रोजवेल्ट पे गवर्नमेंट का पीएम साहब का क्लियर विजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो विजन ये है कि एक एयरलाइन एक असासा लेती है कि वो उसको पैसे जनरेट करके दे कि वो वापस एयरलाइन के अंदर डाले। अगर वो पैसे ही नहीं बना रही और एयरलाइन के अंदर नहीं डाल रही तो हमें कुछ सोचना होगा आउट ऑफ द बॉक्स कि इसके साथ कैसे करें कि ये पैसे बनाए और एयरलाइन इस पैसों से चले और बेहतर हो। ना PIA बेहतर हुई है, ना वो ना अगर हम रोजवेल्ट की बात करें, ना रोजवेल्ट कोई बेहतरीन होटल बने। रोजवेल्ट सिर्फ एक न्यूयॉर्क में भी नहीं है, एक रोजवेल्ट लॉस एंजलिस में भी है, एक रोजवेल्ट न्यू ऑर्लीन्स में भी है। उसकी आप गूगल में जाके सिर्फ रेटिंग्स देख लें, 4.5 स्टार 5 स्टार और आप रोजवेल्ट की देखने के किधर है। मैं इस पे ये एक गलतफहमी भी दूर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान हुकूमत में ना PM साहब, ना एविएशन मिनिस्टर साहब, ना मैं, ना कोई और कभी भी कोई बातचीत हुई रोजवेल्ट की बेचने की। हम रोजवेल्ट नहीं बेच रहे। इसमें जरूर हमने एक बात की है कि रोजवेल्ट के साथ क्या करना है। रोजवेल्ट देखें एक मैनहट्टन के दिल में एक जगह है, सबसे अच्छी लोकेशन है आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन ये जो टीवी पे चंद लोग जिनको शायद इल्म ज्यादा ना हो कह रहे हैं कि रोजवेल्ट तो इतने पैसे बना रहा है और अब जुल्फी बुखारी खरीद रहा है या बेच रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, रोजवेल्ट ने पिछले साल $1.5 मिलियन का नुकसान दिया है। उससे पहले $3 मिलियन बनाए थे, उससे पहले 4, उससे पहले 7, 10 साल पीछे ले जाए तो शायद 11 पे शुरू हुआ था। उस पर एक स्टेडी डिक्लाइन आई है और अब नुकसान में चला गया है। और आप कोरोना की वजह से आपको आगे भी पता है कि क्या हालात हैं होटल्स के, स्पेशली न्यूयॉर्क में, और वो भी उस कॉरिडोर में जहां रोजवेल्ट है। तो इस पे एक फाइनेंशियल स्टडी हुई, एक टास्क फोर्स बनी कि बताएं कि क्या करें। इसमें वाजे तौर पे सारी स्टडीज, 6 कुछ स्टडीज इस पे हुई हुई हैं कई सालों पे और आगे अब भी, और इस पे सारी स्टडीज ये हुई हुई हैं कि रोजवेल्ट को प्रोबेबली एक मिक्स्ड यूज पे एक्सप्लोर करें, देखें कि मिक्स्ड यूज इसका क्या हो सकता है कि इसकी रेंटल या जो भी हमें इसे मिले वो ज्यादा मिले। क्यों हम नुकसान में इसको चलाते रहें? हमने क्या जिद अड़ी हुई है चाहे जो भी हो कि हम नुकसान में अपने एहसास से चलाएं? हम क्यों ना अपने एहसासों से पैसे बनाएं, वो भी इतना अहम एहसास था। तो इसलिए एक फाइन CCOP एक थर्सडे को एक आपको एक CCOP हुई थी जिसमें मैं भी बैठा था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, उसमें यही डिसीजन टास्क फोर्स ने CCOP को दी थी एक रिकमेंडेशन कि इसको प्राइवेटाइजेशन को बोलें कि इस पे एक कंप्लीट स्टडी करें। और ये स्टडी भी कोई 6 महीनों में नहीं होने वाली, इसमें टाइम लगना है क्योंकि आपने देखना है कि सारी बिल्डिंग 100 फ्लोर से बड़ी है, हमारी रुकी हुई है इस तरफ। क्यों ना हम इसको जो इससे हम एज अ होटल निकाल सकते थे हमने निकाल लिए, अब नुकसान में है, अब बताएं कि इसको आगे इसके साथ क्या हमने करना है। मैं इसको आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि सर एक घर आप लेते हैं F6 में, वो आपको किराया नहीं दे रहा, आपने खरीदा किराया देने के लिए, वो आपको किराया नहीं दे रहा, आप अपने आप से नहीं पूछेंगे कि मुझे अपना किरायादार किराया क्यों नहीं दे रहा, या जो मेरा जो घर है इसमें क्या खामियां है कि मैं ठीक करूं कि मुझे किराया मिले। अगर आपको 1 लाख का किराया मिल रहा भी है और इसकी आमदनी होनी चाहिए 10 लाख रुपए, तो आप नहीं पूछेंगे कि इसको मैं 10 लाख रुपए पे कैसे लेके आऊं कि मुझे पैसे बने। तो ये गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जो इस पे काम कर रही है कि रोजवेल्ट को रखते हुए, मैं रिपीट करता हूं, रखते हुए इसको हम कैसे बेहतर करें कि PIA को पाकिस्तान को फायदा कैसे हो। बस इसमें और कोई राय नहीं है चाहे जितने लोग जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और
इन तमाम प्रॉपर्टीज को देने के बाद पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के देखें इस पर एक फिगर अभी देना मुश्किल है क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी की फीजिबिलिटी बन रही है और जब वो टेंडर करेंगे तो तब तक हमें फीजिबिलिटीज आ जाएंगी कि इसको कितने कैसे इसका लीज प्रोसेस भी अलग होता है। यहाँ लीज होता है एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर साल आपको रेंट आप कह सकते हैं मिलता है लीज का। बाहर मुल्कों में जब आप 30 साल की लीज देते हैं तो आप बेसिकली उसको अगर आप 99 ईयर्स की लीज है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, 30 साल की हो तो आपको कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो आपको फ्रंट पे अप फ्रंट पैसे देता है और फिर आपको एक परसेंटेज सर्विस चार्ज का हर साल देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो अभी हम फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा मॉड्यूल ज्यादा बेहतर फिट होगा। जब ये आएंगे तो हमारे पास फिगर्स आते रहेंगे। अब देखिए इसमें दो चीजें मैंने आपको नारायण की भी एग्जांपल दी, वहां कुछ 130 कुछ कनाल की हमारी प्रॉपर्टी है रफली, वो क्या एक रिजॉर्ट बने या दो बने, इसमें भी एक लेकिन ये डिसीजन वो हैं जो सूबों को भी लेने होंगे। हम तो उनको टेम्पलेट बना के दे देंगे फिर फाइनल डिसीजन जारी बात है सूबों का होगा। कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले इशू नहीं सोचती कि इससे कितने हजार ग्रामीण मुतासर होंगे और क्या मामला होंगे। देखें आपके चैनल का मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, कुछ होगी कि जारी बात बंद हुए, लेकिन बात यह है कि जहां तक बात जाती है पीडीसी का, ये मैं फिर से आपको कहता हूं कि बिल्कुल 100% सही फैसला है और एक शॉर्ट टर्म गेन के पीछे आप एक लॉन्ग टर्म लॉस लेके जाना चाह रहे हैं। बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं ये है कि हम एक साल के पीछे हम पूरी जिंदगी नुकसान में रहें, ये कोई हल नहीं होता। जब भी किसी चीज की आप कोई कंपनी लेते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको ग्राउंड जीरो से काम शुरू करना पड़ता है, क्लीन स्वीप आपको पहले करना पड़ता है और फिर आप शुरू करते हैं और उसको प्रॉफिट में लेके जाते हैं। याद रखें कि फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, 360 लोगों की नौकरियां सिर्फ एक पीसी बुरबन से आती हैं, सिर्फ एक, और हम वहां एक साल बाद बैठे हुए हो सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो भी तो ये तो हजारों कनालों पे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे और इनमें से जितने भी अच्छे लोग हैं जो भी लोग रखना चाहते हैं वो उनको फिर से रिहायर करना कर सकते हैं। आपने डीसी गवर्नमेंट की बात की लेकिन मुजफ्फराबाद में डीसी से तकरीबन 80% आंकड़े को निकाल दिया गया है। दूसरा ये कमेंट और दूसरा सवाल है कि जब गलित प्रदान और कश्मीर साहब ने कहा था कि सुबह में सुबह देखेंगे क्या, लेकिन गलित प्रदान और कश्मीर में आप देखेंगे, यहाँ ये सवाल है कि ये मतदान से चलता है वहां के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा एजेंसी और दलित प्रस्थान की गवर्नमेंट को या यहाँ से जाकर आपको वहां की जमीन लेकर लीज दे देंगे और साथ ही एक जो मुजफ्फराबाद से आपको दलित प्रस्थान की तरफ है ये कमेंट सजेशन भी है कि मुजफ्फराबाद से जिस तरफ आप नीलम की तरफ है खूबसूरत एरिया है आगे दलित प्रस्था दलित का एरिया आता है तो दो देवताई नेशनल पार्क और फिर एक दूसरा यहाँ से आप एक रोड बना दें तो ये 10 घंटे का सफर काम हो जाता है। तो ये एक अच्छा आपके पास सजेशन है कि नीलम भी और दलित का एरिया भी आ जाएगा और 10 घंटे का सफर भी काम हो जाएगा, फिर आप वहाँ की जमीन लीज पर रहने की क्या मामला होंगे। जी देखिए रोड का तो बिल्कुल उस पर भी काम हो रहा है, जहां तक आपने बात की कि होटल निकाल रहे हैं लोग, वो कोरोना की वजह से निकाल रहे हैं, हमने कोरोना की वजह से नहीं निकाला, तो ये बिल्कुल अलग सर्कमस्टांस हैं। जहां तक जीबी और एजेके क्योंकि फेडरेशन में आते हैं, वो हमारे बोर्ड पे भी, उनके सेक्रेटरी साहब, उनको चीफ सेक्रेटरी साहब भी ऑन बोर्ड हैं, मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड थे और हमने जो उनके साथ किया है कि जो भी प्रॉफिट आएगा या लीज के जो पैसे आएंगे 50% वापस जीबी और एजेके के टूरिज्म पे ही जाएंगे, ये एक उनके साथ हमने तय किया है कि हम वही पैसे वापस उनकी उनके लिए बेहतरी के लिए टूरिज्म की बेहतरी के अंदर डाल। बस आखिर आप
देखें देखें पहले इनका सवाल फिर मैं आखिरी आपका दे देता हूँ। देखें बात ये कि ये चीज़ गलत है कि फेडरल एक के टूरिज्म एक फेडरल सब्जेक्ट है, टूरिज्म एक डिसॉल्व्ड सब्जेक्ट है पहली बात। दूसरी बात डिसीजन ये लेगी है कि अगर पीडीटीसी डिसॉल्व होगा या फेडरल में रहेगा, पीडीटीसी फेडरल में रहेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को चलाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम प्रोविंसेस को दें, लेकिन वो भी एक यूनिफाइड टेम्पलेट बनी हुई है, तो मतलब एक यूनिफाइड एक ही लीजिंग का मैकेनिज्म सारे सूबों को दिया जाएगा, लेकिन सूबे उनको एक्सिक्यूट करेंगे, फेडरल उसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए डिजॉल्व सब रहे थे। अच्छा वो नहीं है जी, ये गलत। अच्छा आपकी जो बात है, देखें मैं समझता हूँ कि डेढ़ साल में आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी अच्छी इंटरनेशनल कॉन्डे नास्ट हो गया, ब्रिटिश बैक वर्कर्स एसोसिएशन हो गया, रॉयटर्स हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, सब अब रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद जितनी डाइवर्सिटी है खूबसूरती की वो शायद बहुत कम मुल्कों में हो। इस पर हम इसलिए नहीं कैश कर पाए क्योंकि हम बिखरे हुए थे, एक कोई यूनिफाइड तरीका नहीं था, और यही सिचुएशन एक दफा साउथ अफ्रीका ने भी फेस की थी क्योंकि वो भी प्रोविंसेस में भी डिसॉल्व्ड है। तो इसलिए नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड का काम है कि हम सबको यूनिफाई करें, उनको बोर्ड पे लेके आए, इसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग इन्वेस्टमेंट लेके आए इसके अंदर। और अब आप देखेंगे अगले साल आपके पास ये वर्ल्ड टूरिज्म फोरम भी आ रहा है, उनको $6 बिलियन के इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, उनमें से अगर आप 50% भी 50% भी कैश इन कर लें, आपके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है। इसमें आप ये जो आप कह रहे हैं कि हम इसका फायदा क्यों नहीं उठा सके, क्योंकि हमने समझा था कि हम पीडीडीसी में बैठ के ही हम बाकी जगहों पर चलाएंगे। जो लोकेशन पीडीडीसी के गेस्ट हाउसेस की है शायद किसी और के पास ना हो, और हम उसको इनकैश ही ना कर सकें। अब ये जो हमने आपको सोल्यूशन दिया है, इसको 2 साल के अंदर अंदर आपके पास 40 से ज्यादा गेस्ट हाउसेज आ जाते हैं जो 3 और 4 स्टार के कैलिबर के हों, जो आप मार्केट कर सकते हैं, आप फख्र होगा आपको उनके ऊपर, और ये 2 साल के अंदर अंदर एक मुल्क के अंदर 40 ऐसे होटल्स खुल जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, रिजॉर्ट बने हुए होंगे, खूबसूरती होगी। ये सबसे तेज और सबसे बेस्ट तरीका है टूरिज्म को फरोग देना, और इससे आप देखेंगे कि उसके आसपास जो खास तौर पर जो पसमिंदा इलाके हैं उससे कितनी नौकरियां भी निकलेंगी और खुशहाली भी वहां कितनी आएगी, क्योंकि हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं इस होटल का हिस्सा बन सकूं या इस होटल का कोई फीडर बन सकूं, चाहे खाने में हो, फूड सप्लाई में हो, ट्रेनिंग में हो, कुछ भी हो। तो ये आप देखेंगे कि ये एक रिजॉर्ट एक पूरे इलाके को खुशहाल कर सकता है। मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लैशमैन के उनके साथ नेगोशिएशन चली हुई है, पहली दफा अग्री किया हुआ है कि हम एक ज्वाइंट वेंचर उनके साथ करेंगे, ज्वाइंट वेंचर की डिटेल्स अभी आनी है। मोहम्मद खुशी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फिकार बुखारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियाहती मकामात को उजागर किया जाएगा दुनिया भर में, इस हवाले से वो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।